और तसव्वुफ का तरीक भी वही है जो हमारे अकाबिर बयान कर चुके हैं। अब कोई सोशल मीडिया भी जो है ना, वो झूठ का ऐसा गर्म बाजार है कि अल्लाह की पनाह। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। पीर हसीबुर रहमान, जिनका ताल्लुक ईदगाह शरीफ रावलपिंडी से है, उनकी वीडियो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि वो, क्योंकि वीडियो में ये बताया जा रहा है कि वो पीर हक खतीब साहब से अल्लाह तल्की का इजहार कर रहे हैं, तो ये कितनी हकीकत है ये आप लोगों में सामने वीडियो शेयर करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और तसव्वुफ का तरीक भी वही है जो हमारे अकाबिर बयान कर चुके हैं। अब कोई सोशल मीडिया भी जो है ना, वो झूठ का ऐसा गर्म बाजार है कि अल्लाह की पनाह। 9-9, 10-10 साल पहले की कोई मुलाकात उठा के डालेंगे, देखो फलां की फलां बात से इंप्रेस होके फलां यहाँ आ गए हमारे पास। ओ भाई, आप अपने आप को देख लो, तुम्हारे इन चीजों से कोई जाहिल होगा जरूर उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाएगा। हमारे लिए तसव्वुफ वही है जो गौसे आजम ने बयान किया, तसव्वुफ वही है जो दाता साहब ने बयान किया, तसव्वुफ वही है जो मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने बयान किया। ये आंखों के खेल और ये करतब हमारे नजदीक तसव्वुफ नहीं है, ना ही हम इसको तसव्वुफ तस्लीम करते हैं, और ना ही हमें किसी ऐसे करतबों से इंप्रेस होके कहीं कहीं जाने की जरूरत है, और ना ही कभी किसी ऐसे करतब से इंप्रेस होके कहीं गए। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पे 9-10 साल पुरानी किसी की मुलाकात डालेंगे और बोलेंगे देखो इन्होंने परसों ये करतब दिखाया तो ये यहाँ आ गए, ऐसे झूठ मत बोलिए, अभी बड़े प्यार से बता रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो तो देख ली होगी, अब फैसला आप पर है, बल्कि पूरी आवाम पर है कि वो क्या फैसला करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग अब इस फैसले का इंतजार करें कि कौन हक सच के रस्ते पर जो है वो कामयाब होगा, किसके हक में फैसला आएगा। ये आप लोग बल्कि पूरी अवाम, बल्कि मैं भी इस फैसले के इंतजार में है, और इंशाल्लाह हमें इंतजार रहेगा। आप सबके सामने मैं इसी तरह अच्छी और नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।